It's hard to breathe, but that's alright. Hush. आज ये हमारे पास गाड़ी का वेंटिलेटेड सीट सिस्टम जैसे एक आपके ये नीचे वाले पार्ट पे लग जाता है और एक आपको ये पीछे कमर की तरफ पे लग जाता है और भी वायरिंग हैं इसकी जो कि स्टेप बाय स्टेप यूज होती है फ्यूज भी दिए हुए हैं क्योंकि जिस साइड से भी आप इसको लगाने वाले हो अपनी सीट में वहां पे ये इंस्टॉल हो जाएगा लेफ्ट एंड राइट का है कहीं पे भी आप इंसर्ट कर सकते हो अगर आपको अपनी कार के सीट के अंदर इंसर्ट कराना है Hi guys, this is DJ from DJ's Automotive. I hope you all are doing good and I'm back with another video. आज ये हमारे पास का सीट अभी मैं आपको ये अनबॉक्स करके भी दिखाऊंगा इसके फीचर्स भी बताऊंगा और आपको इसकी सारी चीजें बताऊंगा कि मार्केट में मिलने वाले वेंटिलेटेड सीट सिस्टम से ये अलग क्यों है खोलते ही सबसे पहले हमें यहाँ पे एक क्लोद मिल जाता है जो की इंस्टॉलेशन के टाइम पे यूज होता है यहाँ पे आपको पूरा मेनुअल मिलता है कार्डी की तरफ से कि कैसे आपने पूरा ये प्रोसेस इंस्टॉल करना है तो स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है अगर कोई खरीद के अपने पास अपनी सिटी में इंस्टॉल करवाना चाहता है तो उनके लिए भी ये काफी इजी रहने वाला है तो सबसे पहले क्लोथ निकाल लिया हमने उसके बाद हमने ये सक्शन पंप्स निकाल लिए हैं ये फर्स्ट है इसके अंदर टोटल जो ये पीसेस में आता है ये फोर पीसीस के अंदर आता है क्योंकि ये फ्रंट की जो सीट्स होती हैं दो लेफ्ट में लगते हैं दो राइट right में लगता है तो जैसे एक आपके ये नीचे वाले पार्ट पे लग जाता है और एक आपको ये आ, पीछे कमर की तरफ पे लग जाता है तो ये हो गए हमारे चार पीसेस ये इसकी वायरिंग है वायरिंग कुछ ऐसी है यहाँ पे देख सकते हैं आप ये मॉड्यूल दिया हुआ है आ, और भी वायरिंग हैं इसकी जो कि स्टेप बाय स्टेप यूज होती है फ्यूज भी दिए हुए हैं कल को कोई फ्लक्चुएशन होता है तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे ये पंच करने के लिए दिए हुए हैं स्क्रूज है टायर बेल्ट डबल टेप्स है ये इस वाले स्विच को लगाने के लिए ये स्विच भी अभी आपको दिखाता हूं और यहाँ पे ये बिट दी हुई है जहां पे ड्रिल करने की जरूरत पड़ती है और यहाँ पे दिया हुआ है ये परफोरेटेड क्लोध क्योंकि जिस साइड से भी आप इसको लगाने वाले हो अपनी सीट में वहां पे ये इंस्टॉल हो जाएगा तभी ये सख्त कर पाएगा एयर को जो हॉट एयर आपके पास आ, आपके कैबिन में है जो आप बैठ के करने वाले हो उसके ऊपर गर्मी बनती है तो उसको शक करने के लिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है सबसे पहले ये बटन है ये मैं दिखा देता हूं आपको इसके अंदर डुअल मोड्स है लेफ्ट एंड राइट का है कहीं पे भी आप इंसर्ट कर सकते हो अगर आपको अपनी कार के आ, सीट के अंदर इंसर्ट कराना है तो होल करके उस उधर भी लगा सकते हो और ऐसा लगेगा जैसे एकदम जेन्युन कंपनी फिटेड स्विच है ये यहाँ पे मोड्स हैं आप इसको फर्स्ट पे इधर रख सकते हो सेकंड थर्ड और फोर्थ बार पुश करने पे क्लोज हो जाएगा वर्क नहीं करेगा फिर तो जो ये है हमारा ये पंप है ये एक्चुअल में करता क्या है जैसे आप मार्केट से खरीदते हो जब वेंटिलेटेड सीट सिस्टम किसी भी अपनी कार के लिए वहां पे ये जो पंप है वो हवा फेंकता है और जो जब वो हवा फेंकता है उस वो उतना ज्यादा वर्किंग नहीं होता अच्छा नहीं काम करता ठंडी हवा भी होती है उसके अंदर तो डायरेक्ट वो आपकी गर्म हॉटर साइड पे लगता है तो उसके बहुत सारे बैड इफेक्ट्स होते हैं जो ये हमारा पंप होता है ये हवा को सक करता है सक करने की वजह से ये उस एरिया को ठंडा नहीं करता है उसको ड्राई रखता है और जब वो ड्राई रहेगा तो वहां पे आपको गर्मी लगने भी नहीं वाली है बिल्कुल भी और ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसके ऊपर आपको वन ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है और कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि अगर हमारी कार के अंदर सीट्स के अंदर एयर बैग लगे हुए हैं तो उसके अंदर हम ये इंस्टॉल कर सकते हैं तो मैं आपको बता देता हूं अगर आपकी कार की सीट्स के अंदर एयर बैग है तो आप इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं वेंटिलेटेड सीट्स होती है तो उसके अंदर तो इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि कंपनी ने यही फीचर दे रखा है आपको तो उसके बाद सेकंड आ जाती है आपका एयर बैग है अगर सीट में तो उसके अंदर भी आप इसे इंस्टॉल नहीं कर सकते आप इसे आगे वाली सीट पे इंस्टॉल करना चाहते हो तो आगे कर सकते हो पीछे करना चाहते हो तो पीछे भी कर सकते हो जो कंपनी से ओरिजिनल हमारा सिस्टम लग के आता है वेंटिलेटेड सिस्टम का वो भी सेम इस कार्डी के वो है वेंटिलेटेड सीट सिस्टम है सेम इसी की तरह वर्क करता है वो भी खींचता है उसको ना कि बाहर हवा फेंकता है सो so, ये पूरी जो किट है ये आपको मिल जाएगी डीजेज ऑटोमोटिव पे सेवेंटीन थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड रुपीज का प्राइस होता है इंस्टॉलेशन चार्जेस एंड शिपिंग चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं वन ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है आपको ऑन टेबल डीजेज ऑटोमोटिव के पास सो so गाइज आज की वीडियो में यही था अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक करना कमेंट करना वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू